दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित कर ही दिया। मुझे तो लग रहा था पता नहीं मोदी जी कश्मीर या हरियाणा जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर चले गए, वो भी पहले चरण के मतदान के 4 दिन पहले। मतलब 4 दिन पहले मोदी जी प्रचार में पहली रैली कर रहे हों। पिछले 10 साल के मोदी जी के पूरा जो राष्ट्रीय राजनीति में जब से मोदी जी आए हैं तब से शायद पहली बार हुआ होगा। लेकिन इस रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्से में दिखे। ऐसा लग रहा था कई बार मोदी जी की वही लाइंस हम सुन रहे हैं जो लाइन हम लोकसभा चुनाव के दौरान सुन रहे थे। लेकिन इस बीच दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को एक बात बहुत बुरी लगी। दोस्तों मोदी खुद के जेल जाने की धमकी को लेकर तिलमिलाए थे। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने उस तिलमिलाहट को तो दिखाया ही दिखाया, साथ में मोदी जी कैसे अपना लिया हुआ फैसला भूल गए, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन यहाँ समझ लीजिए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी इस रैली को संबोधित कर रहे थे। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि डोडा जम्मू इलाके में आता है। जम्मू वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी को उम्मीद है। कश्मीर से तो बीजेपी को कोई उम्मीद ही नहीं है, वहां तो कैंडिडेट भी नहीं उतारे कई सीटों में बीजेपी ने, लेकिन डोडा से बीजेपी को उम्मीद है। और इसी उम्मीद के सहारे पीएम मोदी ने पहली रैली को भी जो संबोधित किया वो जम्मू रीजन में किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस रैली में नाराज दिखे। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े 400 पार का नारा लेकर आए थे, अगर 20 सीटें और आ जाती इंडिया गठबंधन की या उनकी, ये बोला था उन्होंने, तो ये सब जेल में होते। इस तरह का बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो सुनकर पीएम मोदी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा कि आप चुनाव कैसे जीतना चाहते हैं, कि आप मोदी को जेल भेजना चाहते हैं, वो यहाँ आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहाँ आकर के क्या कह रहा हूँ कि हम यहाँ ये काम करेंगे वो काम करेंगे, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो, क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दोस्तों प्रधानमंत्री की ये बात साफ तौर पर बताती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जम्मू कश्मीर में, उसको बड़े करीने से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस को लगातार हमले पर लिया मोदी जी ने, एक बात तो तय है कि मोदी जी समझ गए हैं कि कांग्रेस कड़ी टक्कर उनको जम्मू कश्मीर में दे रही है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस पूरी रैली में मोदी जी लगातार बता रहे थे कि उनके 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कितना काम किया है, और 10 साल में मतलब 2014 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इतना लंबा एलजी का शासन रहा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद मोदी जी जब बता ही रहे थे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम किया है, उनकी सरकार ने इतना काम किया है, तो ये भी बताना चाहिए था दोस्तों कि कश्मीर की 28 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे। मतलब जिस राज्य में आपने इतना काम किया है, मोदी जी खुद इस बात का ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार ने किया है, जो कि उन्होंने कहा भी रैली में कि हमने ये काम किया, तो फिर कैंडिडेट उतारने से डर क्यों रही है बीजेपी? मतलब ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, पिछले 10 सालों में तो खास तौर पर नहीं सुना कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली हो, कैंडिडेट ही ना उतारे हो। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर परिवारवादी पार्टियों का भी निशाने पर लिया और कहा कि 3 पार्टियों ने यहाँ परिवारवाद फैलाया है, उनमें से एक पार्टी कांग्रेस, इसके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, और इस दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया पीएम मोदी ने कि ये तीनों ही पार्टियां बेसिकली जम्मू कश्मीर में इन्होंने परिवारवाद फैलाया। अब मोदी जी की ये बात कैसे मोदी जी को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, मोदी जी के ही फैसलों से बिल्कुल अलग है, ये मैं आके आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये तो सुनिए मोदी जी ने कहा क्या। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक
बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया, इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मोदी जी को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के परिवारवाद से दिक्कत है। चलिए, कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर तो मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान भी और जनरली भी बोलते रहते हैं, लेकिन कश्मीर की बात हो रही है और जम्मू में आए हैं मोदी जी चुनाव प्रचार में, पहली रैली कर रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर की इन दो पार्टियों का जिक्र कर देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर पीडीपी ने परिवारवाद फैलाया जम्मू कश्मीर, तो मोदी जी ने ऐसे दल के साथ सरकार क्यों बनाई? सब जानते हैं दोस्तों, पीडीपी के साथ 2014 के बाद न केवल बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई, बल्कि खुद मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल भी नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत लंबी बातचीत चली थी पीडीपी और बीजेपी के बीच, करीब एक महीना बातचीत चली चुनावी नतीजों के बाद। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब एनडीए जब से बना है तब से ऐसा पहली बार हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, पीडीपी के साथ, जिसको आज निशाने पर ले रहे हैं मोदी जी, उनके साथ मोदी जी ने सरकार बनाई गठबंधन की, और शपथ ग्रहण में खुद मोदी जी मौजूद थे वहां पर। और उस वक्त कहा गया कि एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर देख रहा है, हालांकि बाद में सरकार चली नहीं और पीडीपी से समर्थन वापस खींच लिया बीजेपी ने। लेकिन मोदी जी ने गठबंधन क्यों किया ऐसी पार्टी के साथ, अगर मोदी जी आज कह रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद फैलाया? और दोस्तों, केवल पीडीपी की बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका आज गठबंधन है कांग्रेस के साथ, गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है, वो भी एक दौर में एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। वाजपेयी का दौर होता था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। मतलब वो दोनों पार्टियां जिसको परिवारवाद कह रहे हैं और जिनके लिए मोदी जी जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बाद कर दिया सब कुछ और केवल अपना परिवारवाद फैलाया, अपना भाई भतीजावाद फैलाया, उन दोनों के ही साथ बीजेपी का गठबंधन था। एक के साथ मोदी जी ने खुद गठबंधन किया, खुद सरकार बनाई, और एक के साथ वाजपेयी जी ने गठबंधन किया। तो मोदी जी बताएं कौन गलत। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि जब आप किसी पार्टी से गठबंधन करें तब तो वो कश्मीर में नया सवेरा लाने के लिए कोशिश होती है, और दूसरा गठबंधन करे तो वो भाई भतीजावाद फैलाते हैं, वो परिवारवाद फैलाते हैं। जम्मू कश्मीर की इस रैली में मोदी जी कई बार उन लाइंस को रिपीट करते हुए सुनाई दिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, जो लोकसभा में बोलते थे। हाँ, ये बात और सिमिलर दिखी मुझे कि जिस तरह से लोकसभा में मोदी जी ने घोषणा पत्र बड़े गौर से पढ़ा था कांग्रेस का, यहाँ भी पढ़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर मोदी जी ने एक बात बोली जो फिर उनकी एक और बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर मोदी जी ने सवाल उठाए, ठीक है, कोई बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से मोदी जी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपने ही सहयोगी के घोषणा पत्र पर मोदी जी क्या बोलेंगे। दोस्तों, जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैसाखी है जिसकी वजह से मोदी जी पीएम बने हुए हैं अभी भी, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है घाटी में, जम्मू कश्मीर में, जिसमें जेडीयू ने वादा किया है कि जो पत्थरबाज थे, जब अगर उनकी सरकार आती है तो पत्थरबाजों को जो जेल में डाला गया है और जो केसेस उन पर लगे हैं उन्हें हटाया जाएगा। मतलब उसी ये इस तरह की मांग घोषणा पत्र में की गई है। तो ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन, कितनी अजीब बात है दोस्तों कि मोदी जी अपने विरोधी का घोषणा पत्र पढ़ते हैं लेकिन अपने सहयोगी का, जिनके साथ मोदी जी सरकार चला रहे हैं, जो एनडीए का हिस्सा है, क्या उनका घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं? बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि वोटिंग के चार दिन पहले पहली चुनावी रैली अगर मोदी जी संबोधित कर रहे हैं तो क्या वो पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं या फिर एक रस्म अदायगी के तौर पर कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।